कौन है बैटमैन? आधे घंटे से फेल ही रहा हूँ, मरता ही नहीं है साला। जा जाता फंस जाता तू। अरे मैं उनको कंफ्यूज करने के लिए मरने की एक्टिंग कर रहा था। ओके देख कैसे मर रहे हैं तेरी एक्टिंग देख के। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सुपरस्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां आज अपने 3 दिन पूरे कर रही है। और दोस्तों सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म मैदान को भी आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर तीसरा दिन है। ये दोनों ही फिल्में दोस्तों आज अपने 3 दिनों में कितने करोड़ की कमाई इंडिया से और दुनिया भर से कर चुकी है, ये इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं। दोस्तों पिछले 2 हफ्तों से शानदार कमाई कर चुकी क्रू के आज अपने 16 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों यहां पर फिल्म वॉर 2 से जुड़े बड़ी अपडेट के बारे में और पुष्पा 2 के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी इन फिल्मों का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं फिल्म क्रू के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जो कि दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज अपने 16वें दिन भी काफी अच्छी कमाई कर रही है और दोस्तों इस हफ्ते रिलीज होने वाली बड़ी बड़ी फिल्मों को टक्कर दे रही है। जी हां दोस्तों बता दें आपको कि राजेश कृष्णन के डायरेक्शन में बनने वाली क्रू एक कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म है जिसके लीड में आपको तबू, कृति सेनन, करीना कपूर खान, कपिल शर्मा और दिलजीत दोसांझ नजर आने वाले हैं। इस कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म को दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन से काफी अच्छी ओपनिंग मिलती हुई नजर आई और फिल्म ने जहां अपने पहले 10 करोड़ रुपए कमाए तो वहीं दोस्तों अपने दूसरे दिन भी इस फिल्म के कलेक्शंस 10 करोड़ से ज्यादा के रहे। अपने तीसरे दिन 11 करोड़ रुपए की कमाई के साथ ही ये फिल्म 3 दिनों में ही इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 32 करोड़ रुपए कमा चुकी थी, जबकि दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ रुपए कमा चुकी थी। बता दें चले दोस्तों आपको कि क्रू को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिलते हुए नजर आए थे, वहीं क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को अच्छी रेटिंग्स दी थी। यही वजह है दोस्तों कि अपने वीडियोस में भी स्ट्रॉन्ग होल्ड करते हुए इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में 46 करोड़ रुपए कमाए, दूसरे वीकेंड में भी इस फिल्म के कलेक्शंस 15 करोड़ रुपए के रहे, तो वहीं दोस्तों वीडियोस को मिलाकर यह फिल्म 22 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही। यह इस फिल्म का दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर तीसरा हफ्ता है और दोस्तों अपने 2 हफ्तों में 68 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी। इस फिल्म के कल अपने 15वें दिन के जो कलेक्शंस थे वो भी लगभग 90 लाख रुपए के आंकड़े को टच करने में कामयाब रहे। तो वहीं दोस्तों ये फिल्म आज अपने 16वें दिन लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए कमा रही है। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन वो इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर 71 करोड़ रुपए का हो चुका होगा। वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म ऑलरेडी 120 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है और बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट फिल्म साबित हो चुकी है। लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों यहां पर इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म मैदान के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैदान एक बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है जिसके लीड में दोस्तों आपको सुपरस्टार अजय देवगन के साथ साथ प्रिया मणि और गजराज राव भी नजर आने वाले हैं। दोस्तों बता दें आपके अमित शर्मा के डायरेक्शन में बनने वाली मैदान को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिलते हुए नजर आए, तो वहीं दोस्तों क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को अच्छी रेटिंग्स दी। लेकिन दोस्तों सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां से क्लैश होने की वजह से इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे उसमें अपने पहले दिन और दूसरे दिन थोड़ी कम ग्रोथ देखने को मिली। अपने पहले दिन पेड प्रीव्यू में दोस्तों इस फिल्म ने जहां 2 करोड़ 60 लाख रुपए कमाए थे, तो वहीं दोस्तों अपने पहले दिन टोटल इस फिल्म का जो कलेक्शन था वो 7 करोड़ 10 लाख रुपए के आंकड़े को टच करने में कामयाब रहा। दुनिया भर से दोस्तों इस फिल्म ने 10 करोड़ 11 लाख रुपए कमाए जो कि एक तरह से नॉर्मल ओपनिंग है। लेकिन अगर बात की जाए सेकंड डे की, दोस्तों कल इस फिल्म के कलेक्शंस नॉर्मल ड्रॉप देखने को मिली और इस फिल्म ने अपने दूसरे दिन 3 करोड़ 5 लाख रुपए कमाए, तो वहीं दोस्तों ये फिल्म आज अपने तीसरे दिन भी सेम ट्रेंड करती हुई नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों आज के इस फिल्म के जो कलेक्शन है उसमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। आज दोस्तों इस फिल्म के 1 पर 1 टिकट फ्री का ऑफर दिया जा रहा है और यही वजह है कि यह फिल्म पर घंटे 6,000 से ज्यादा टिकट आज इवनिंग और आफ्टरनून में बेचती हुई नजर आई। यही वजह है कि यह फिल्म आज अपने तीसरे दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रही है, जिससे कि इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 15 करोड़ रुपए के आंकड़े को इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर पार कर चुका होगा और लगभग 23 करोड़ रुपए यह फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर कमा चुकी होगी। मैदान को दोस्तों लगभग 150 करोड़ रुपए के बजट के साथ बनाया गया है, ऐसे में इस फिल्म को हिट होने के लिए तो काफी ज्यादा कमाई करनी है। लेकिन दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस जिस तरह से पसंद कर रही है, यह फिल्म दोस्तों लंबी रेस का घोड़ा साबित होने वाली है। बात की जाए दोस्तों यहां पर फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के बारे में, तो दोस्तों बड़े मियां छोटे मियां एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म है जिसके लीड में आपको सुपरस्टार अक्षय कुमार के साथ साथ
टाइगर श्रॉफ, पृथ्वीराज सुकुमारन, मानुषी चिल्लर और अलाया फर्नीचर वाला नजर आने वाली है। अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बनने वाली दोस्तों बड़े मियां छोटे मियां को ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छे रिव्यूज मिलते हुए नजर आए, लेकिन दोस्तों क्रिटिक्स की तरफ से इस फिल्म को काफी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा। यही वजह है दोस्तों की बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जिसने की इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन तो 17 करोड़ रुपए की शानदार ओपनिंग इंडिया से और लगभग 36 करोड़ रुपए की ओपनिंग दुनिया भर से ली, तो वही दोस्तों अपने दूसरे दिन की इस फिल्म के जो कलेक्शन में 50% की ड्रॉप देखने को मिली। और इस फिल्म ने जहां अपने दूसरे दिन 7 करोड़ 60 लाख रुपए की कमाई इंडियन बॉक्स ऑफिस पर की, तो वहीं दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म 19 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही। ऐसे में इस फिल्म का 2 दिनों का टोटल कलेक्शन 55 करोड़ रुपए के आंकड़े को दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर पार कर चुका है। लेकिन अगर बात की जाए इस फिल्म के आज यानी कि अपने तीसरे दिन की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि ये फिल्म आज अपने तीसरे दिन भी काफी अच्छी कमाई करती हुई नजर आ रही है। मॉर्निंग से ही दोस्तों इस फिल्म के कलेक्शन में आज अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, और यही वजह है कि ये फिल्म दोस्तों आज अपने तीसरे दिन 9 करोड़ रुपए के आंकड़े को इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर और लगभग 18 करोड़ रुपए के आंकड़े को दुनिया भर में टच करने वाली है। इसी के साथ इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 73 करोड़ रुपए से ज्यादा का इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस और दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 3 ही दिनों में हो चुका होगा। और दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अभी तक तो अच्छा ट्रेंड कर रही है। देखना यही है दोस्तों कि क्या ये फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपए तक के आंकड़े को पार कर पाती है या नहीं। बात की जाए दोस्तों यहां पर फिल्म वॉर 2 से जुड़ी बड़ी अपडेट्स के बारे में, तो दोस्तों बताते चले आपको कि वॉर 2 जिसके लीड में दोस्तों आपको बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन के साथ जूनियर NTR और ब्यूटीफुल कियारा आडवाणी भी नजर आने वाली है। दोस्तों इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2025 में रिलीज किया जाना है, जो कि पैन इंडिया रिलीज होने वाली सबसे मच अवेटेड फिल्म होगी। दोस्तों बताते चले आपको कि ऋतिक रोशन तो फिलहाल में इस फिल्म की शूटिंग जोर शोर से कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों अब इस फिल्म से जूनियर NTR भी जुड़ चुके हैं, जो कि कल इस फिल्म की शूटिंग से जुड़े हैं। और दोस्तों इस फिल्म के कुछ मेजर एक्शन सिक्वेंसेस वो शूट करने वाले हैं। जूनियर NTR के साथ साथ दोस्तों जगपति बाबू भी आपको इस फिल्म में नजर आएंगे। तो वही दोस्तों कियारा आडवाणी इस फिल्म की शूटिंग से 1 मई को जुड़ने वाली है। बताते चले दोस्तों आपको कि वॉर एक बड़े बजट पर बनाई गई बेहतरीन फिल्म होगी, जो कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन 120 से 130 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले सकती है और दुनिया भर में लगभग 150 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले सकती है। वॉर 2 को दोस्तों ऑडियंस की तरफ से अगर अच्छे रिव्यूज मिलते हैं तो ये फिल्म बॉलीवुड के लिए चौथी 1000 करोड़ी फिल्म साबित होगी। बात की जाए दोस्तों यहां पर फिल्म पुष्पा 2 से जुड़ी बड़ी अपडेट्स के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुष्पा 2 इस साल रिलीज होने वाली सबसे बड़ी फिल्म है, जिसमें आपको स्टाइलिश सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के साथ साथ रश्मिका और फहद फाजिल नजर आने वाले हैं। दोस्तों कुछ दिन पहले ही इस फिल्म का एक धमाकेदार टीजर रिलीज किया गया था, जिसे कि ऑडियंस की तरफ से काफी पसंद किया गया। और दोस्तों अब इस फिल्म के मेकर्स इस फिल्म को बांग्लादेश में भी रिलीज करने की प्लानिंग कर चुके हैं, वो भी बांग्ला भाषा में। जी हाँ दोस्तों बताते चले आपको कि सुकुमार सर के डायरेक्शन में बनने वाली अल्लू अर्जुन की इस फिल्म का इंतजार बांग्लादेश, गल्फ और ओवरसीज भी काफी बेसब्री से कर रहा है। यही वजह है दोस्तों कि अल्लू अर्जुन की यह फिल्म अब बांग्ला भाषा में भी रिलीज होगी और इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी लगभग 8 से 9 हजार स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म के टीजर को दोस्तों अब तक 11 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज हासिल हो चुके हैं, जबकि दोस्तों इस फिल्म का ट्रेलर जल्द ही रिलीज होने वाला है, जिसमें आपको सुपरस्टार अल्लू अर्जुन का स्टाइलिश और एक्शन अवतार देखने को मिलेगा। अभी तक दोस्तों इस फिल्म का जो टीजर रिलीज किया गया वो इस फिल्म का इंट्रो टीजर था, अब दोस्तों इस फिल्म का एक ऑफिशियल टीजर आपको जून के महीने में देखने को मिलेगा, तो वही दोस्तों इस फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर जुलाई के महीने में देखने को मिलेगा। ये फिल्म दोस्तों 15 अगस्त को ऑल ओवर इंडिया में रिलीज होगी, जो कि अपने पहले दिन 150 करोड़ रुपए की कमाई तो इंडिया से और लगभग 200 से 220 करोड़ रुपए की कमाई दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर करने वाली है। आपको क्या लगता है दोस्तों अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल करेगी, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।